चंडीगढ़ स्थित पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों के डीजीपी व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आईजी को एनडीपीएस एक्ट के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों के पुलिस विभागों को इन दिशा निर्देशों का अनुसरण कर एनडीपीएस के सभी केसों को निपटाना होगा। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने ये दिशा निर्देश बढ़ रहे नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए दिए हैं, ताकि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में नशे के मुख्य आरोपी बचना और बेकसूर व्यक्तियों साने की साजिश नाकाम हो सके। चलिए आपको दिखाते हैं हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के वकील ने इन दिशा निर्देशों के बारे में क्या बताया। अभी रिसेंटली पिछले महीने मई में ही ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की हैं एनडीपीएस केसेस में। अभी रिसेंटली ऑनरेबल हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा ने बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की हैं एंड द केसेस ऑफ एनडीपीएस, जिसमें उन्होंने डीजीपी पंजाब, डीजीपी हरियाणा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी स्ट्रिक्टली उनको कहा है कि जो गाइडलाइंस हैं, जो मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं, जो जजमेंट में इशू की हैं, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाए। इसमें हम अक्सर देखते हैं कि जितने एनडीपीएस केसेस हैं, जिस तरह हमें पता है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में जो एनडीपीएस केसेस हैं बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, उनको कैटर करने के लिए, टैकल करने के लिए उन्होंने जो आईओज हैं, जो उसको इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको बड़ी स्ट्रिक्टली एक डायरेक्शन दी है कि किस तरह, किस तरीके से उन्होंने इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन करनी है। हम जनरली देखते हैं कि जो जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एनडीपीएस केसेस में, जब उनको अगेंस्ट पर्चा होता है, एफआईआर लॉज होती है, उनको आसानी से यहाँ से बेल मिल जाती है, और पहले बेल मिलती है, फिर उसके बाद उनको एक्यूटल हो जाती है, बरी हो जाती हैं। उसके पीछे क्या कारण है, हाई कोर्ट ने बड़े उसको सीरियसली व्यू लेके गाइडलाइंस इशू की हैं कि किस तरीके से हर एक स्टेप में हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो प्रॉपर प्रोसीडिंग्स बताई गई हैं एनडीपीएस एक्ट में, सेक्शन 50 है वहाँ पे, सेक्शन 42 है, उसको कैसे हमने कंप्लाई विद करना है, इसके लिए हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको तीन तरह से कैटेगराइज कर दिया, एक है मैंडेटरी गाइडलाइंस, एक है डायरेक्टरी चेकलिस्ट, और तीसरा है कि जो उन्होंने गेस्टेड ऑफिसर्स बनाने हैं उसके कितने बनाने हैं अलॉन्ग विद देयर फोन नंबर्स। पहली बात आती है इसमें मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं जो आईओस को दी है कि जो ये केसेस एनडीपीएस केसेस हैं वो अबव द रैंक ऑफ एएसआई जो रेगुलर होगा उसको सिर्फ अपना ये इन्वेस्टिगेट करेगा, जो एडहॉक वाले एएसआईज हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। उसके अलावा सेक्शन 50 जो एनडीपीएस एक्ट वो कहता है कि जब भी हमने पर्सनल सर्च करनी है, जिसको हमने पकड़ते हैं, सस्पेक्ट को पकड़ते हैं, अक्यूज को पकड़ते हैं अलॉन्ग विद जो ड्रग्स पकड़, जब भी हम उसको पकड़ते हैं, उसको हमने गेजेटेड ऑफिसर या जो भी इलाका मजिस्ट्रेट होगा उसकी प्रेजेंस में पकड़ना है, या प्लस उसको जो एक राइट दिया हुआ है सेक्शन 50 के कि जो भी उसने अपना बयान देना है वो उसकी प्रेजेंस में देना है, और जो विच मस्ट बी काउंटर साइंड बाय द इलाका मजिस्ट्रेट और गेस्टेड ऑफिसर। उसके लिए कोर्ट ने ये भी कहा है जो गेस्टेड ऑफिसर्स हैं डीसी से बात करके, हर जिले में डीसी से बात करके अब गेस्टेड ऑफिसर्स की लिस्ट बनाओ, उसके फ़ोन नंबर्स, और सबको जितने भी आईओज हैं उनके मोबाइल फ़ोन में होने चाहिए, ताकि जब भी कोई ऐसी पर्सनल सर्च की बात आती है ड्रग्स के केसेस में, उनको तुरंत कॉल किया जाए, उनको वहाँ पर बुलाया जाए, या अगर नीरेस्ट जहाँ पे गेस्टेड ऑफिसर है वहाँ पे ले जाके उनकी अपना पर्सनल सर्च की जाए, और जो भी उनसे रिकवर होता है वो अपना उसमें राइटिंग में लिखा जाए। ये बहुत बड़ी बात है, कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया कि अगर, सबसे पहले ये मेंशन किया कि आपने जो एसएसपीज हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया करनी है मंथली कि कौन कौन से केसेस हैं जिसमें एक्यूटल हुई है, और कौन कौन से केसेस हैं जिनमें एक्यूटल अगर तो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कौन से केसेस हैं जिनमें जो एक्यूटल हुई है वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिशियल्स, उनका रिकॉर्ड बना के जो वो आईओज हैं उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है। और इस केस में कुछ ऐसे भी एफिडेविट्स आए हैं, जैसे खन्ना की तरफ से आया, तरन तारण से एफिडेविट आया, एसएसपी ने दिया है कि इन केसेस में जी ये फॉल्ट इन्वेस्टिगेशन हुई है और एक्यूटल हो रही है, बेल हो रही है, उनके अगेंस्ट, उन पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन फ्यूचर अगर आप इसको, गाइडलाइंस को, इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं फॉलो करोगे
तो हम आपको यही केस को फिर से रिवाइव करके, जो पंजाब के डीजीपी हैं, हरियाणा के डीजीपी हैं, चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के आईजी हैं, उनको हम पर्सनली रिस्पॉन्सिबल करेंगे। अगर पूरा रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में रोज हर एक रोज एनडीपीएस का केस लगा होता है, रोज पर्चे होते हैं, बट ये एक आयरनी है कि हमारे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में वो सारे जो अक्यूज्ड हैं वो इन टेक्निकल ग्राउंड्स के कारण, इन फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के कारण उनको बरी हो जाते हैं। और एक और बड़ी एक आयरनी है कि जो मासूम बंदा है उसको ये पुलिस वाले फॉल्सली इम्प्लीकेट कर देते हैं, उनको सजाएं हो जाती हैं क्योंकि दे आर वेरी इनोसेंट। और जो ये इसका नशे के जो काम करते हैं, जो मेन ड्रग्स का काम करते हैं, उनको आसानी से बेल हो जाती है, उनको आसानी से वो बरी हो जाते हैं ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कहते हैं कि ड्रग्स को खत्म करने के लिए हमारी मदद की जाए, आपको लगता नहीं कि पहले खुद के एनफोर्समेंट की प्रॉपर जरूरत है? देखो जो जो प्रधान जो हमारे जो सीएम्स होते हैं, सीएम है या मंत्री हैं, ये जो लेटर्स लिखते हैं एक दूसरे को, जस्ट एक फॉर्मल ये कम्युनिकेशन होता है। बट अगर वो दिल से चाहें कि हमने कोई सुधार लेके आना है, हमारे जो प्रधान अपने, हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, ये काफ़ी कहते रहे हैं कि जी हम ड्रग्स को ख़त्म कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इतनी बार कहा है कि साल में हम ड्रग्स ख़त्म कर देंगे, बट हम ये प्रत्यक्ष को प्रमाण के हम क्या कहें, सबको पता है कि आज भी हमारे पंजाब में गांव-गांव में इतना ड्रग्स बिक रहा है, इतना चल रहा है। और जो अगर वो चाहें, चीफ मिनिस्टर अगर चाहे, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो पुलिस है, उनको स्ट्रिक्टली ट्रेन करके अंडर द सुपरविजन ऑफ DSPs, SPs, IGs, उनको सुपरवाइज करके इनको जो ड्रग्स को है इनको थॉरली इनको ग्राउंड से इनको खत्म कर सकते हैं। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।